मॉर्निंग बच्चों, आप उससे पहले हमने कई आंदोलनों के बारे में बताया कि हमारे देश में कितने आंदोलन हुए हैं। उसमें से था बागानों का स्वराज। इसमें आंदोलनों में जो था बागानों का स्वराज, बागान का स्वराज में क्या था कि आज़ादी का मतलब यह था कि वह उन चांदीवारों से जब चाहे आ जा सके। असम के मजदूरों को बंद करके रखा गया था। उनका मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख सके। 1959 के लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। मतलब कि वहाँ उस समय जो अंग्रेज का राज चल रहा था, बागान असम के बागान में जो मजदूर कार्य करते थे उनको बिना इजाजत बागान से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उनको कैद करके रखा जाता था, अपने परिवार से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते थे। इसलिए कितने आंदोलन और कितने सन हुए, बहुत से। इसी प्रकार में था चौरी चौरा कांड। 1922 में गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा में बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के हाथ हिंसक टकराव में बदल गया। जो चौरी चौरा कांड में शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था उसमें पुलिस ने टकराव कर लिया और उन्हें इतनी लाठीचार्ज किया कि वो असहयोग आंदोलन को रोकने पर आह्वान किया, जिसके कारण पुलिस ने लाठीचार्ज से उन्हें घायल कर दिया। इसी प्रकार हमारे भारत देश में बहुत से आंदोलन हुए हैं जिसकी बहुत कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। जैसे 1918 से 1919 तक बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मिलित करते थे। बाबा रामचंद्र जो थे 1918 में किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें वह आंदोलन को चलाया। फिर अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था? 1919 में अप्रैल में रॉयल एक्ट के खिलाफ, जब वहाँ के रहने वाले लोगों ने जलियांवाला बाग का वहाँ पे उन्होंने गोली चला के हत्या कितने करोड़ों लाखों में कर दी थी। फिर जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन। 1921 में असहयोग का और खिलाफत का आंदोलन शुरू किया गया है। फिर फरवरी जो है 1922 चौरी चौरा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन के आगे 1922 में चौरी चौरा का भी गांधी जी का असहयोग आंदोलन कहा जाता है। फिर मई में 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी जो उसमें मुखिया थे, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में समाप्त किया गया। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर ली थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर का अधिवेशन ने स्वीकार कर ली थी कांग्रेस की। उसके बाद जो है 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1930 में दलित वर्ग अंबेडकर के नाम से इसकी स्थापना की गई। फिर मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन को बंद करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। फिर मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं। फिर दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए सविनय अवज्ञा में सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त धारणा प्रभावित नहीं थे। समाज के जितने भी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग थे, सभी लोग इस आंदोलन में संगठित नहीं थे। इसलिए वे 1930 के बाद खुद को दलित या पीड़ित कहने लगे थे। गांधी जी ने खुद को दलित और पीड़ित कह के कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़ीवादी संपूर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी।